केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2020 का परिणाम घोषित कर दिया है। स्वच्छ शहरों की सूची में एक बार फिर इंदौर शहर ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि शिमला शहर ने अपनी रैंकिंग में सुधार कर 65वां स्थान हासिल किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार देश भर के 4,242 शहरों ने भाग लिया था, जिसमें शिमला टॉप 100 शहरों में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुआ है। हालांकि शिमला समेत प्रदेश के 5 शहरों सोलन, बद्दी, नाहन, मंडी, सिरमौर ने भी भाग लिया था, लेकिन वे टॉप 100 शहरों में अपना स्थान नहीं बन पाए हैं। बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में शिमला शहर ने 128वां स्थान हासिल किया था, लेकिन इस बार शिमला शहर ने अपनी रैंकिंग में सुधार कर 65वां स्थान हासिल किया है। हालांकि गार्बेज फ्री सिटी से पहले ही बाहर हो चुका शिमला ने अपनी रैंकिंग में अच्छा सुधार किया है। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने बताया कि सर्दियों के दौरान शिमला शहर का स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन बर्फबारी के चलते फिर भी शहर को काफी स्वच्छ रखा गया था, जिसके चलते 65वां स्थान हासिल हो पाया है। उन्होंने बताया कि निगम ने टॉप 20 शहरों में आने की उम्मीद जताई थी, लेकिन गार्बेज फ्री सिटी के कुछ कंपोनेंट में अच्छे अंक न मिल पाने के चलते अच्छी रैंकिंग नहीं मिल पाई है। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हमारे शिमला शहर का क्या रैंक आएगा। कल ही इसका रिजल्ट आया है तो हमें बहुत खुशी होती है कि पिछली बार जो हमारा रैंक 128 था, इस बार हमारा 65 आया है। तो इसके लिए मैं जो है नगर निगम के सभी अधिकारीगण, सफाई कर्मचारी और हमारे जो सोसाइटी के कर्मचारी है और हमारे 34 वार्डों के पार्षद है और हमारे जो स्वास्थ्य था जी, जो आजकल सीएम हुए उनका भी बड़ा इसमें सहयोग रहा, जो हमारे कमिश्नर श्री पंकज राय जी इनका भी बहुत ही सहयोग रहा। आप देखिए कि जब ये स्वच्छता सर्वेक्षण चला था उस टाइम जो है जनवरी फरवरी का महीना था और जो है ऊपर से बर्फ गिरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ऑफिसर ने, हमारे पार्षद ने, सब ने मिल के बहुत अच्छा काम किया। वो अपने वार्ड में जाते थे, यहाँ तक कि टॉयलेट देखते थे कि टॉयलेट की सफाई कैसी है, और मतलब बहुत अच्छा काम किया सब ने। तो हमें बहुत खुशी होती है कि सर्दी का मौसम होते हुए भी हमारा रैंक जो है 128 के की जगह पे, जो पिछली बार हमारा 128 था, इस बार 65 आया है। इसके लिए मैं नगर निगम के सभी पार्षदगण का, नगर निगम के आयुक्त का और संयुक्त आयुक्त, हमारे CHO और सफाई कर्मचारी और सुरेखा मैडम जो आजकल CMO है, उनका भी बहुत सहयोग रहा। और मैं बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और मतलब बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ उनका, और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। और आगे के लिए जो हमारा टारगेट है तो हमारा ये रहेगा कि अगली बार हम जो है 10 या 20 में आएंगे, और इसके लिए हम अभी से ही जो है प्रयास करना शुरू कर देंगे, मेहनत करेंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए निगम ने अभी से कमर कस ली है, जिसमें शहरवासियों से भी स्वच्छता बनाए रखने के लिए सहयोग मांगा जाएगा, ताकि शिमला टॉप 10 स्वच्छ शहरों में आ सके। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।